जय हिंद, वंदे मातरम। तो बद्रीनाथ यात्रा का आज का हमारा है ये दूसरा दिन, और सुबह रुद्रप्रयाग में रुकने के बाद 5 बजे हम निकले हैं, और अब हम ढूंढ रहे हैं चाय पानी के लिए कुछ नाश्ते का इंतज़ाम। देखते हैं, पीपल कोटी हम अभी पहुँचे, सुबह का लगभग 7 बजे का समय है। औषधि चाय वाला बड़ा कुछ इन्होंने लिख रखा है, तंदूरी चाय, शिलाजी चाय। ये है अपने दीपक पंवार जी, यूट्यूब चैनल इनका है, 2-4 फोटो भी इन्होंने किसी के साथ डाल रखी है। तो चलिए देखते हैं इनकी औषधि वाली चाय का आनंद। ओहो, यहाँ हम देख रहे हैं कि ये नए तरीके की चाय है, कूलर में है और इस कूलर में ही ये उबल रही है। तो देखने में तो लग रहा है कि ये बहुत ही अच्छी होगी। तो अभी हम इनसे बात भी करेंगे कि क्या इनके पास ऐसी खासियत है, और जो इन्होंने बड़ा कुछ लिख रखा है इनसे हम अभी बातचीत करते हैं। तो चलिए दीपक भाई, तो क्या खासियत है आपकी चाय की दुकान की? हमारी चाय की खासियत ये प्योर बद्री गाय के दूध में बनती है, और इसमें जो तुलसी, पुदीना, अश्वगंधा, लेमन ग्रास और गुलाब जो पड़ता है वो सब यहीं की मिट्टी का है और ऑर्गेनिक है, मैं खुद उगाता हूँ उसे। क्या बात है। बाकी चाय तो आपने तो दूध पिया है, जो चाय पिए हैं सर जी, इनसे पूछ सकते हो आप उनको चाय कैसे। क्या अनुभव है आपका? मस्त मजा है भाई की, ऐसी चाय है, मजा है। तो मतलब आप बोलते हैं जो श्रद्धालु इधर से जाते हैं वो एक बार जरूर इनकी चाय, हाँ, इनकी चाय का आनंद ले जरूर। अभी चाय भाई लोगों ने भी पी है अंदर। चलो भाई साहब, आपने अभी चाय भी इनकी, दीपक भाई की, तो कैसा लगा आपको, कैसा अनुभव? बढ़िया, यहाँ चाय कहीं नहीं, पूरे रास्ते में नहीं। कहाँ से आप? अहमदाबाद, गुजरात। ठीक, तो हम देख रहे हैं दीपक भाई हमारे सामने चाय बना रहे हैं, तो इन्होंने खाली कुल्लड़ में चाय डाल दी है और इसमें ये देखो कैसे उबल रही है। दीपक जी ने हमें बताया कि इस चाय की खासियत है, एक तो जो दूध इसमें वो डालते हैं वो बद्री गाय का ही डालते हैं, और जो जड़ी बूटियाँ या जो ये मसाले इसमें प्रयोग वो कर रहे हैं वो सारे भी ऑर्गेनिक है और इनके खुद के तैयार किए हुए। ये जो है इस चाय को खास बना रहा है। की चाय दूसरे में जा रही है, दूसरे की पहले मार रही है, देखिए चमत्कार। हेलो, ये भाई यहाँ पे बहुत से लोग जो है वो बार बार आते हैं और इनकी चाय का की प्रशंसा भी करते हैं। तो इस तरह से हमने देखते हैं इनकी रेट लिस्ट जो है, यदि हम इस पर एक नज़र डालें तो है तो ये महंगा सौदा है, तो लेकिन अगर आपको शुद्ध चाहिए, ऑर्गेनिक भी चाहिए और स्वादिष्ट भी चाहिए तो थोड़ा उसके लिए हमें जेब तो ढीली करनी ही पड़ेगी। मैं क्योंकि चाय नहीं पीता हूं तो इसलिए मैं चाय का तो बता नहीं सकता। हाँ, मैंने दूध पिया था, वो काफ़ी स्वादिष्ट था और अच्छा था। अब और लोगों की प्रतिक्रिया जानते हैं। तो भाई लोगों, अभी आप चाय पी रहे हैं कूलर में औषधि वाली चाय, तो आप इसके बारे में बता सकते हैं? अच्छी है, ठीक है, क्या बोलते हैं भाई साहब? बढ़िया है सर। तो दोस्तों, आप भी यदि बद्रीनाथ यात्रा करते हैं तो अवश्य एक बार पीपल कोटी में रुककर इस औषधि चाय वाले, जो कि बिल्कुल ऑर्गेनिक चाय बनाते हैं, का एक बार अवश्य आनंद ले। जय बद्री विशाल, जय बाबा केदारनाथ, जय हिंद, वंदे मातरम।